बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस फिल्म के कारण हेमा मालिनी के करियर में आई थी बदलाव। आइए उठाता हूँ पर्दा एक ऐसी गुमनाम कहानी के बारे में जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। हेमा मालिनी आज के समय में भले ही फिल्मों में कम नजर आती है, लेकिन अब भी वह फैंस की ड्रीम गर्ल है। राज कपूर की फिल्म सपने का सौदागर, जॉनी मेरा नाम, लाल पत्थर, अंदाज और शोले जैसी कई यादगार फिल्में हिंदी सिनेमा को देने वाली हेमा मालिनी के करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने साल 1972 में फिल्म सीता और गीता में दोहरी भूमिका निभाई।